केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय आयोग को मंजूरी देने के बाद विपक्ष भले ही सवाल उठा रहा हो, लेकिन संसदीय प्रणाली और संवैधानिक विशेषज्ञों का क्या कहना है? इस समय मेरे साथ है राम नारायण यादव, इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है। देखिए अनिल जी, कि केंद्र का यह कदम अच्छा है, लंबा हो सकता है कि इसमें अभी संवैधानिक शक्तियों के तहत कमीशन बनेगा और उसकी प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी होगी कि जिससे कि वो सोशली एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को आइडेंटिफाई करने में टाइम लगेगा। इसमें इनको एमिनेंट पर्सन्स, पॉलिटिशियंस, सामाजिक कार्यकर्ता, लीगल एक्सपर्ट सभी को कंसल्ट करना पड़ेगा, टाइम लग सकता है। लेकिन पार्लियामेंट सेंटर जो बिल बनाएगा, एक्ट बनाएगा, वो एक पक्का होगा, मजबूत होगा, शायद अच्छा होगा। लेकिन दूसरे साथ के साथ ही इससे राज्यों के अधिकारों पर कुछ बंदिश लग रही है। बंदिश इस वजह से कि जैसे जहां 50% से एक्सीड हैं उनको तो जाना पड़ता है सेंटर के पास 9th शेड्यूल में डालने के लिए, जहां 50% से नीचे हैं और उनको खुद अधिकार है अपने रिजर्वेशन स्टेट में देने का, उनके लिए बंदिश लग जाएगी। तो इस वजह से ये प्रक्रिया बेशक लंबी हो सकती है, लेकिन कदम ये अच्छा होगा क्योंकि हर कास्ट में अब इकोनॉमिक सोशल वीकर सेक्शंस पैदा होते जा रहे हैं, इस वजह से ये आयोग बनना एक अच्छा कदम है। यादव जी, जिस तरह से आरक्षण की मांग राज्यों में उठती है, और अब क्या कोई राज्य अपनी विधानसभा में किसी जाति को आरक्षण देने के लिए कोई एक्ट बना सकता है क्या? नहीं, अभी तो इसके हिसाब से तो नहीं बना सकते। यादव साहब, जिस तरह से अभी पीछे हाल ही में विधानसभा ने जाट्स में 6 जातियों को आरक्षण देने का बिल पास कर दिया था, आज अदालत के विचाराधीन है, उसका क्या स्टेटस रह सकता है? देखिए, उसके तो पहले भी यही बात थी, वो भी अभी जो केंद्र के पाले में पड़ा हुआ है, जब तक उसमें 9th शेड्यूल में, जहां तक हरियाणा की बात है, 9th शेड्यूल में आप जब तक वो बदलाव नहीं होता, अमेंडमेंट नहीं आती, तब इसको लीगलिटी नहीं मिल सकती। पहले भी ये सेट असाइड हो चुका है, अब भी 50% से ज़्यादा हरियाणा में रिजर्वेशन दे दी जा चुकी है, तो अभी भी ये जब लोकसभा और सेंटर की ने करना है और कमीशन के हिसाब से भी सेंटर ने करना है, तो अब सिर्फ बात की रहेगी टाइम की, कितना टाइम लगता है। सेंटर से आप कमीशन जो बना है उसमें सारे प्रतिनिधि अच्छा रिप्रेजेंट करें, अच्छा अपने केस को रखें, उनके सामने पेश करें और उसको अच्छे कमीशन की अच्छी रिकमेंडेशन हो, पार्लियामेंट में आए। अभी तो पार्लियामेंट में बिल भी आएगा, वहाँ सब राज्य भी और उनके MP भी हैं, सब अपने अपने वहाँ पेश करें अपने मुद्दे, तो ये लगता है कि ये बिल अच्छा होगा। यादव सर, यानी कि आपका कहना है कि जाट्स में 6 जातियों को आरक्षण लेने के लिए अब लंबे समय का इंतजार करना पड़ सकता है? लंबे का इस तरह कह सकते हैं कि नया कमीशन बना है, संवैधानिक अभी अधिकार पार्लियामेंट ने देने हैं, इस वजह से लंबा कह सकते हैं, बाकी उनको फायदा ही होगा। और 9th शेड्यूल वाला भी अभी कोई सर्टेन नहीं है, तो वहाँ से कोई नुकसान वाली बात नहीं है। ये थे मेरे साथ राम नारायण यादव, इनका कहना है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय आयोग के गठन को मंजूरी दी है, उससे आने वाले समय में जो जातियां आरक्षण की मांग कर रही हैं उनको आरक्षण मिलने में थोड़ी देरी लग सकती है, लेकिन जब भी किसी जाति को आरक्षण मिलेगा तो पक्का आरक्षण मिलेगा। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज़ चंडीगढ़।